स्वागत है परिता के फ्लेवर्स में। आज मैं बनाई हूँ पत्ता गोभी कोफ्ता, जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार बना हुआ है, बगैर कोई कद्दूकस किए, बगैर कोई मेहनत के। इसे किसी के साथ भी खा सकते हैं, रोटी, चावल, पराठा, जिसके साथ भी खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी कैसे बनता है। हाँ, मैं एक कप दाल, चने की दाल है, 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख दी थी और ये बहुत अच्छे से ये फूल गया है। और यहाँ मैं लगभग 500 ग्राम होगा ये छोटा पत्ता गोभी ली हूँ। तो सबसे पहले हम इसको रफली कट कर लेंगे, क्योंकि हमें इसे मिक्सी में पीसना है। तो ये देखिए, इसे हम इस आकार में कट कर लिए हैं। तो यहाँ एक ले रहे हैं हम जार, और जार में मैं अभी आधा ही दाल डालूंगी। और अब हम डाल देंगे इसमें कटा हुआ पत्ता गोभी। इसमें पानी हम एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, क्योंकि पत्ता गोभी में ना अपना ही एक पानी होता है, तो इसी के साथ ही ये पिस जाएगा। जरूरत होगी तभी हम डालेंगे इसमें पानी। तो ये देखिए, दाल और पत्ता गोभी एकदम पीस गए हैं, बिल्कुल बारीक नहीं है, हल्का दरदरा ही है। तो हमें इसी तरह से पेस्ट चाहिए था, और इसी तरह जो बचा हुआ दाल है और पत्ता गोभी साथ साथ डाल करके हम पीस ले रहे हैं। तो ये देखिए, पीस करके मैं सारा निकालती, बस एक चम्मच इसमें मैं छोड़ दी हूँ, इसे हम बाद में यूज में ले लेंगे। और हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर दे रहे हैं। तो यहाँ मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, और ये धनिया पाउडर, और ये लाल मिर्ची का पाउडर। आप चाहते तो इसमें हरा मिर्ची भी इसमें साथ के साथ ही पीस सकते थे, पर मैं यहाँ पीसी नहीं हूँ, मैं यहाँ लाल मिर्ची डाल रही हूँ। और मैं यहाँ डाल दे रही हूँ ये गरम मसाला, और अब थोड़े बारीक कटा हुआ मैं इसमें प्याज डाल दे रही हूँ, और थोड़ा धनिया पत्ता डाल दे रही हूँ, और लास्ट में टेस्ट के हिसाब से मैं नमक डाल दे रही हूँ। इसमें डाल करके खूब अच्छे से हम इनको मिला लेंगे, ताकि मसाले नमक सब जगह से पहुंच जाए। और ये देखिए, इन सबको हम खूब अच्छे से मिला दिए हैं, और इधर हमारी कढ़ाई में तेल भी गर्म है। तो बस हम एक एक करके इसमें हम डालते जाएंगे। तो ये देखिए, सारे कुत्ते में डाल दी हूँ, अभी हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। और यहाँ मैं गैस मीडियम रखी हुई हूँ, जब तक कोफ्ते बन रहे तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं 3 टमाटर ले ली हूँ, ये 6 से 7 लहसुन की कलियाँ हैं, और मैं यहाँ अदरक है, और ये 3 हरी मिर्च है, और यहाँ प्याज है। तो इनको हम मिक्सी में पीस ले रहे हैं सबको। नीचे से काफ़ी ब्राउन हो गया है, तो हम अब इसको पलटी कर दे रहे हैं। पत्ता गोभी में बहुत सारा मॉइस्चर होता है, तो नमक डालते ही वो बहुत सारा पानी छोड़ देता है। अगर कहीं आपका ऐसा हो जाता है तो आप उसमें 2 से 3 चम्मच बेसन मिला दीजिएगा, फिर पकौड़े जो है कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरह से हम सबको पलटी कर दे रहे हैं, और अब हम इन कोफ्तों को निकाल ले रहे हैं। सारे कोफ्ते बनने के बाद यहाँ मैं वही कढ़ाई ले ली हूँ, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल गर्म हो रहा है, तब तक मैं दिखा दे रही हूँ। यहाँ मैं कुछ सूखे हुए मसाले ले ली हूँ, ये दालचीनी, 2 इलायची पाउडर, ये 4 लौंग है, ये 2 सूखी हुई मिर्ची है, 1 तेजपत्ता है, जीरा है, और यहाँ कसूरी मेथी है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, यहाँ हम सबसे पहले तेजपत्ता डाल दे रहे हैं, और फिर जीरा और खड़े मसाले। डाल दे रहे हैं सूखी हुई मिर्च। सारे मसाले जो हैं और जीरा अच्छे से चटक गए हैं, तो यहाँ मैं डाल दे रही हूँ 1 कटा हुआ प्याज, और इसको हम थोड़ा ब्राउन होने दे रहे हैं। तो प्याज जो है सॉफ्ट हो गया है और ब्राउन भी हो गया, तो यहाँ हम डाल दे रहे हैं 2 चम्मच धनिया पाउडर, छोटी चम्मच है, और ये हल्दी पाउडर, और ये लाल मिर्ची पाउडर, तीखा अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि हम हरा मिर्च भी उसमें डाले हुए हैं, दाल के साथ जो है पीस दिए हैं। सूखे मसाले जले नहीं, तो इसमें हम 1 से 2 बूंद पानी डाल देंगे,
और इसे हम पकाएंगे जब तक ये थोड़ा तेल ना छोड़ दे। मसाले अच्छे से भून चुके हैं तो अब हम ये टमाटर और अदरक लहसुन जो पीस करके रखे थे वो हम सब इसमें डाल देंगे और गैस यहाँ बिल्कुल हम स्लो कर देंगे। मसाला पकते 3 से 4 मिनट हो गए हैं तो यहाँ हम टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। डाल करके और हम 3 से 4 मिनट मसाले को अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए मसाले अच्छे से पक गए हैं और तेल भी बिल्कुल सेपरेट हो गया है तो यहाँ हम डाल देंगे फेटी हुई दही। दही आप जब भी डालें तो गैस को या तो स्लो कर दें या तो बंद कर दें। तो यहाँ मैं 2 चम्मच दही डाल दे रही हूँ और डाल करके फिर हम इसे अच्छे से मिला। दही डालने से कोफ्ते का स्वाद जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर आपको और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा चाहिए तो आप इसमें काजू भी ऐड कर सकते हैं जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा बिल्कुल शाही अंदाज में। अब हम क्या करेंगे, जो हम पेस्ट बचा करके रखे थे 1 से 2 चम्मच उसी में थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसमें डाल देंगे। ग्रेवी जो है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, पतला गाढ़ा कैसा चाहिए। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही गाढ़ा लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा और पानी ऐड करूँगी। तो और पानी डाल दे रहे हैं, इतना ठीक है और उबाल आने तक हम इसे इंतजार कर रहे हैं और ढक करके छोड़ देंगे। तो ये देखिए मसालों में उबाल आ चुका है तो इसमें हम आप डाल दे रहे हैं थोड़ा गरम मसाला और कसूरी मेथी। डाल करके फिर से चला ले रहे हैं और इसे हम 2 मिनट के लिए और पका लेंगे ढक करके। मसालों में खूब अच्छे से उबाल आ गया है और सब कुछ अच्छे से पक गया है तो अब हम जो कोफ्ते तैयार किए हैं देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ है तो हम सब इसमें डाल दे रहे हैं और 1 मिनट के लिए हम इसे और पका लेंगे। ये देखिए 1 मिनट हो गए हैं कोफ्ते पकाते हुए और ग्रेवी भी काफ़ी गाढ़ी हो गई है और बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है तो इसमें हम डाल दे रहे हैं धनिया पत्ता और फटाफट से हम इसे सर्व कर ले रहे हैं। तो ये देखिए है ना बड़े ही मज़ेदार सी रेसिपी, कैसी लगी? आशा कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक और हाँ फैमिली और फ्रेंडों को शेयर करना ना भूलिएगा।